अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज है 28 जून, तो आज ईद के लिए तो हम लोग खुश ही हैं। एक और सरप्राइज़ है आप सब लोगों के लिए, और आओ हम लोग उस सरप्राइज़ की तैयारी करते हैं थोड़ी थोड़ी, और आपको साथ साथ दिखाते हैं। ब्लॉग के एंड तक बने रहना, ताकि आपको वो सरप्राइज़ भी पता चले कि वो क्या था। और मैं अभी करने लगा हूँ थोड़े कपड़े धोने लगा हूँ, मतलब जो रजाई और ब्लैंकेट वगैरह है वो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉश कर दूँ, बहुत टाइम से वॉश नहीं किए थे। तो मैं आपको शाइना दिखाता हूँ क्या कर रही है, और फिर मैं थोड़ा काम करूँगा तो आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये देख लो शाइना, ये अपना कुछ काम कर रही है लैपटॉप पे, और मैं अभी पूरा घर गंदा है तो थोड़ा क्लीनिंग करते हैं। लेट्स गो गाइस। और मैंने अभी ऑलरेडी यहाँ जोत जला दी है, आप देख सकते हो शाम की जोत जला दी है। मम्मा पापा यहाँ ना होने की वजह से थोड़ा मैं उल्टा पुल्टा कर देता हूँ, मतलब टाइम थोड़ा लेट हो जाता है। मैंने अभी चलाई है, अभी 7:30 हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूं। और ये आज हमारा लॉन्ड्री खुला हुआ है, ये वॉशिंग मशीन में मैंने ब्लैंकेट डाले हैं, बाकी सारे निकाल के रखे हैं कपड़े यहाँ। हेलो गाइस, मैं हूँ शाइना, कैसे हो आप लोग, ईद मुबारक। ये देखो क्या हो रहा है, इन्होंने मेरे को बोला ज़बरदस्ती शूट करके दूँ तो इसलिए हम ये शूट कर रहे हैं कि कुछ स्पेशल हो रहा है आजकल में, मतलब कल हम लोग कुछ स्पेशल दिखाएंगे इनको। हेलो गाइस, सफाई चल रही है, सफाई चल रही है, सफाई हो रही है। बहुत मुश्किल काम है, वैसे सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, सबसे मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। सो गाइस, मैंने क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू लगाया, सिर्फ पोछा नहीं लगाया क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। और ये देख सकते हो आप, मैंने जो ब्लैंकेट वॉश किए थे वो भी मैंने नीचे ही सुखा दिए, क्योंकि एसी चल रहा है तो ड्राई तो ऑलरेडी है ही, जो वो थोड़ा बहुत गीले हैं वो अपने आप सुबह तक सूख जाएंगे, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी है और मेरा मन नहीं था ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम लोग, शाइना हो चुकी है रेडी, मैं चेक करके बताता हूँ क्या कर रही है वो। हाँ, वो कपड़े पहन रही है, और मैं आपको थोड़ा सा घर दिखा दूँ कि मैंने कैसे साफ़ किया है, और आप कमेंट में बताना कि अच्छा किया या नहीं किया। तो किसी को काम चाहिए होगा तो मैं वो रेडी कर लूँगी। सो गाइस, ये देख लो मैंने रूम जो है साफ़ कर लिया है, एक रूम, दूसरा भी आपको देख, ये हॉल, ये मंदिर, अभी तक जोत चल रही है देखो, और ये है मम्मा पापा का रूम। ये मैडम तैयार हो रही है, आज ईद है तो ईद का जो जो इसको सरूर है वो अभी चढ़ा है जब लोगों की ईद खत्म हो चुकी है, ये अभी नहा धो के तैयार हो रही है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ डिसाइड किया, कुछ खा के आ जाएंगे। ये लो जी, जट हो गया तैयार। सो गाइस, ये है मेरी आज की ड्रेस, सो ईद मुबारक सभी को। अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मेरे से व्लॉग शूट भी नहीं हो रहा है, एनर्जी नहीं है। अभी हम लोग आए हैं मज़ार कदीम में डी ग्रिल रेस्टोरेंट पे, बहुत नाम सुना है इनका, खाना भी बहुत अच्छा है सुना है, तो मैंने सोचा कि आज ट्राई कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या खाया हमने, अच्छी क्या ऑर्डर करते हैं सबसे पहले। Thank you.
15 मिनट हो गए इसको मेन्यू देखते हुए. फोन रखोगे तो बोलूंगा ना. ओके लेट्स गो. बोनलेस बारबेक्यू चिकन है ये ले लेते हैं. ओके ठीक है. और एक और साथ में स्नैक्स कुछ ले लेते हैं हम दोनों. पता नहीं इनका मुंह क्यों सड़ा हुआ है, अभी छुपा रहे हैं. भूख लगी है शायद, बहुत तेज भूख लगी है. ना हमने तो खाया सुबह भाभी के पास जाके, मैंने तो कुछ नहीं खाया. और एक बात और मेरे को बतानी थी सबको कि जो सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ देखने के बाद प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना, क्योंकि ये सरप्राइज़ है. हम मिले बताया नहीं ऐसा वैसा. सो मैं पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि ये सरप्राइज़ था सबके लिए. अगर आप ऐसा करके बात क्यों करते हो, ब्लॉग देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा. ओह वाओ ये क्या है बाबा जी. बाबा जी ये है जी पेशावरी चिकन कढ़ाई, ये है नान और ये है रोटी और ये है हमारा गुगू पुगू. खाना पीना हो गया है डन. अब हम जा रहे हैं कहाँ. नशा को पिक करने के लिए तो अभी शायना दिखाएगी आपको कि आजीद है ना तो कैसे. वो आ गए वो रे वो रे बाहर. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक. ईद मुबारक. तो अभी नशा कुछ बोल रही थी तो मैंने बोला कि कैमरा बंद होने के बाद क्यों बोल रहे हो, सामने आके बोलो ना क्या बोले थे. मैं कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो. okay. बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो और आप भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो. थैंक यू. आपका अबाया भी बहुत अच्छा लग रहा है. आपका अबाया भी बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ जी. सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं. चले कहाँ. इनको देखो ये हमारी बेटा प्रिपरेशन चल रही है सरप्राइज की. Who wants to play cricket with me? ऐसे को क्या हेलमेट मैं पाया था कितनी खा रहे. एक थैला दूसरे थैले के बोझ को उठा के ले चल. हेलो गाइस गुड मॉर्निंग. सुबह के बज चुके हैं 5. तो शाइना इज आल्सो रेडी. तो सरप्राइज जो है वो हम एक मिनट रुक के बताते हूँ मैं. एक्चुअली क्या हुआ, रात को हम लोग घर आए. घर आके फिर हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो हम आपको दिखा नहीं सकते. मतलब हम लोग शीशा वगैरह पी रहे थे तो हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि उसमें वायलेशन आता. तो इसकी वजह से हमने सोचा कि हम नहीं शूट करेंगे. तो पूरी रात हम लोगों ने 2:30 बजे तक वेट किया सुबह के 5 बजने का, लेकिन बस हो गई. फिर हम लोग जाके सो गए और ये बेचारी रात से ही जाग रही है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है. कैपेसिटी उठने की नहीं है इसलिए जाग. वो जो भी है. तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर. आपको शूट में दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने देंगे जब तक ख़त्म नहीं होता सस्पेंस. मैंने चंगा गंदे असिस्टेंट बनाया ब्रश करते हुए कह रहे हैं शूट शूट. तो रात को हम लोगों ने ये थोड़े से बैलेंस
बिछाए थे, फुलाए थे, इसको थोड़े से लगे कम, तो इसने थोड़ा सा सोचा कि और जोर लगा ले, शायद हम ही कम हो जाए। हम लोग थोड़ा देर में रिवील करेंगे इस नशा को। अभी कर सकते हैं। ये ब्रो, व्हाई नॉट? व्हाट हैपेंड? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हां जी। हां जी। तो क्या चल रहा है ये सुबह सुबह? सुबह सुबह जो है अभी ढाई घंटे की नींद लेके उठे हैं। और अभी हम जा रहे हैं तो ये अभी जारी है इनका जो ये स्कूल खुलाने वाला सिस्टम, इनको भी आज गुड मॉर्निंग कर दे टाइम से। भाई बेचारे 4 बजे तो सोए हैं। गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम लोग निकल गए घर से, अभी हम लोग नशा की गाड़ी को करेंगे पिक। पहले कल हम लोगों ने नशा को किया, अभी हम नशा की गाड़ी को करेंगे। हमने तो नशा की नौकरी किया, रोज तो लिया नहीं। ओहो, जाके ले आके आ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कुछ ना भूल के गए हों ऊपर। अभी मैं कुछ भूल गया हूँ और वो वापस लेने आया हूँ। कल ही नहीं, रब ने दिमाग ही उन्होंने को दिता है। Very good joke, early morning. Wow! Good morning! 1, 2, 3, yeah! John Cena! What? 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 John Cena! What? 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 टंडी टूट गई उसकी। लाइसेंस लिए हुए 10 साल हो गए बोलते हैं, एक्सपीरियंस है नहीं। अभी आधी चीजें यहाँ छोड़ के जाएगी, बाद में बोलेगी ये रह गया मेरा, वो रह गया, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। बताओ, हमने तो इनकी नौकरी कर ली। गेस कर सकते हो कि हम कहाँ हैं और कौन आ रहा है, आप लोग ये भी शायद गेस कर पाओगे। 80% गेस कर सकते हैं अभी लोग कि कौन आ रहा है। तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। ओके ओके गाइस, क्या
पागल हो जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे कॉफी शॉप चलेगा ना 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 एक रेल की चाय पिएगी बाहर जाके करक पिएगी करक कॉफी बाहर करक 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 एयरपोर्ट से बाहर निकल के जहाँ पहुँच गए वहीं से करक 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 नो एयर मम्मा पापा आ चुके हैं, हम लोगों ने उनको एयरपोर्ट से पिक कर लिया है, यही था सरप्राइज। और देख लो सब लोग, हाय, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो अभी हम लोग तो फाइनली ये लोग वापस आ चुके हैं, और जिनको मैंने नहीं बताया उनको मेरी तरफ से पहले ही माफ़ी, क्योंकि ये सरप्राइज था तो उसके लिए सॉरी। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग शायद ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे कहीं बाहर, मिलते हैं आपको। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ ऊपर ही जा रहे हैं। सो ये हम लोग पहुंचे हैं घर, अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। कहाँ जाएंगे? Our favorite, Papa will tell. No. Yes. No. 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 Yes. आज कहीं और जाएंगे? क्या अंकल, हमें चमाई माई। पापा, हमने आपके जाने के बाद सब जल्द कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, हम रात को भी बात की और खाना खा के आए थे। वो बहुत अभी मिर्ची डालते हैं, ऐसी मिर्ची देता है वो। और अभी अभी हाल ही में तुम्हारे आने से थोड़ा पहले अपग्रेड किया इन्होंने। अभी कहाँ जा रहा है? डोसा हाउस। याला को चलो गाइस चले। ये हम लोग आए हैं बाबल सलाम, हम लोग ये आफ्टर लॉन्ग टाइम फॉर मम्मा। हाँ आ रहा है। ये है मसाला डोसा, वो पता नहीं उसको क्या हो गया, पोस्टमार्टम हो गया उसका। और ये है प्लेन डोसा, चम्मच देना। ये है इडली, डोसा भोग भी आ रहा है। हम लोगों ने नाश्ता किया, अभी घर पे मम्मा पापा को ड्रॉप किया, अभी हम लोग जा रहे हैं दोनों चाय पीने। मेरे को वहाँ की चाय पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा कि हम लोग कहीं और भी आते हैं चाय। तो अभी हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए टी वर्ल्ड की, जो कि मेरी फेवरेट है। नशरा मैडम मुकर गई है यहाँ के कि मेरे को नहीं पीनी है चाय, क्योंकि मैं ऑलरेडी पी के आई हूँ। तो हम क्या करें, एक सिप मारूंगी मैं उसमें से। हम नहीं झूठा पीते किसी का। तो आपका झूठा हम पी लेंगे। हाँ तुम पी लेना, ओके ठीक है। अभी मेरे पास थे चिल्लर। हाँ तो ये इसने क्या किया, दो अठन्निया दिए हैं उसको। तो आगे से भाई से पूछती है कि इतने में क्या मिलेगा, वो बोलते इतने में इतना ची मिलेगा। मतलब जिस तरीके से मैंने उसको 50 दिरहम का दो, जब उसको मैंने डॉलर वो कॉइन दिया आई मीन, तो मैंने उसको ऐसे दिया और मैंने पूछा कि भाई इसमें क्या मिलेगा, इतने में क्या मिलेगा। उसका इंस्टेंट जवाब था इतने में चाय मिलेगा। बोला भाई तुम बहुत स्मार्ट हो। अयो माशाल्लाह आ गए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, चलो ओके बाय बाय कर दो। चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। सो आई होप आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा होगा, और ये मेरी मम्मी का नाइट सूट मुझे बहुत पसंद आया है।
Very nice. So, to Pali. Don't forget to subscribe my channel. Bye guys. Bye. Thank you.